अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन डायरीज बाय सना साद। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की चटनी। उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स भिंडी, 5 से 10 हरे मिर्ची, करी लीव्स, थोड़ी सी कोथमीर और एक लेमन साइज, स्मॉल लेमन साइज इमली। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कीजिए। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें भिंडी और हरे मिर्ची डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे, ऊपर नीचे करके मिक्स करके छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। अब हम इसे सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है मिर्ची और भिंडी को तेल के साथ। अब हम इसे सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, भिंडी और ग्रीन चिलीज अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें इमली डाल देंगे और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मिक्स कर लीजिए और इसे सिम पे थोड़ी देर और भून लीजिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया सीड्स और अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए, भिंडी ठंडी हो गई। अब हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो चटनी पीसने में हम लेंगे 7-8 लहसुन के कलियाँ, 1 चम्मच जीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही ग्राइंडिंग में हम डाल लेंगे कोथमीर और इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। इसके बाद जो है, हम इस मिक्सचर को ऐड करके रफली ग्राइंड करेंगे। पहले थोड़ा सा इसे ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल रफली। इस तरीके से रफली थोड़ा हम इसे ग्राइंड कर लिए। अब इसमें हम जो है वो भिंडी का मिक्सचर ठंडा होने के बाद इसमें डाल के पीस लेंगे रफली। ये देखिए, भिंडी ठंडी हो गई। अब हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना के मैं आपको बताती हूँ, दरदरा पीसना है, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना। ग्राइंडर में डाल लेंगे अपन भिंडी को। अब भिंडी के फ्राई करे हुए मिक्सचर को हम ग्राइंडर में डाल लिया, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पीसिए, एकदम से पेस्ट नहीं बना देना है, थोड़ा थोड़ा करके पीसिए। ये देखिए, पिस गई हमारी भिंडी की चटनी। अगर ज़रूरत पड़े तो इन बिटवीन आप 1 या 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इसको एकदम कंप्लीट पेस्ट नहीं, कोर्सली इसे ग्राइंड करना है। चलिए, अब मैं इसको आपको एक बोल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, भिंडी की चटनी बिल्कुल तैयार। आप चाहे तो इसे तड़का लगाइए या नहीं तो ऐसे ही उसे राइस के साथ या डोसे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।